भाइयों बहनों, आज आजादी के अमृतकाल में देश का मिजाज सर्वश्रेष्ठ करने का, सबसे बेहतर करने का बन गया है। भारत जिस स्केल पर काम कर रहा है उसकी कोई पहले कल्पना भी नहीं कर सकता था। भारत ने अपना चंद्रयान चंद्रमा के उस हिस्से पर उतारा है जहां पहले कोई नहीं पहुंचा था। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है हमारा भारत। अब मुझे बताइए, हर हिंदुस्तानी को चंद्रयान से गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? गर्व हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हर हिंदुस्तानी का माथा ऊंचा जा रहा है कि नहीं जा रहा है? अभी कुछ ही दिन पहले 1 अक्टूबर को पूरे देश ने गांधी जी को स्वच्छता के माध्यम से श्रद्धांजलि दी। 1 अक्टूबर को देखिए, हिंदुस्तान एक तरफ चंद्रमा पर भी जाता है तो दूसरी तरफ 1 अक्टूबर को 9 लाख से ज्यादा कार्यक्रम देश भर में हुए। इन कार्यक्रमों में करीब 9 करोड़ लोगों ने खुद जाकर के सफाई का काम किया, स्वच्छता का काम किया और गांधी जी को श्रद्धांजलि दी। राष्ट्रीय संकल्पों से खुद को जोड़ने के उसकी अभिलाषा हम भारतीयों को हर लक्ष्य तक लेकर जाएगी। हम आत्मनिर्भर बनने के लिए, विकसित बनने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वोकल फॉर लोकल का मंत्र भी आज हर देशवासी की जीवन शैली का हिस्सा बन गया है। आप कल्पना कर सकते हैं, 2 अक्टूबर को दिल्ली के दो दिन पहले की बात कर रहा हूं मैं, दिल्ली का एक खादी मंडार, मैं एक ही खादी मंडार की बात कर रहा हूं, 2 अक्टूबर को एक दिन में दिल्ली के एक खादी भंडार में 1.5 करोड़ रुपए के खादी उत्पादों की बिक्री हुई है। 1.5 करोड़! कितने गरीबों का भला हुआ, कितने गरीबों के घर में रोजी रोटी मिली, ये काम हम करते हैं। वाकई साथियों, मेरा देश बदल रहा है, वो चंद्रयान पर भी जा रहा है, वो सफाई भी कर रहा है, वो वोकल फॉर लोकल भी कह रहा है और इसमें राजस्थान बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा है। लेकिन मेरे परिवारजनों, कांग्रेस साथ आज एक दिक्कत हो गई है कि वो भाजपा का विरोध करते करते भारत का विरोध करने लग गई है। आज पूरी दुनिया में भारत का डंका बज रहा है, भारत की वाहवाही हो रही है, लेकिन कांग्रेस को इससे दिक्कत हो रही है। आप मुझे बताइए, आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जरा जोर से बोलिए, ये आगे वाले भी कह रहा है, कुछ अगर सुनते हैं तो बोलिए कि आज दुनिया में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? बज रहा है कि नहीं बज रहा है? अमेरिका में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? इंग्लैंड में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? सिंगापुर में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? जापान में भारत का डंका बज रहा है कि नहीं बज रहा है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको गर्व होता है कि नहीं होता है? आपको अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? कांग्रेस वालों को नहीं लगता है, उनको दुख होता है। भाजपा सरकार ने भारत को 10वें नंबर से 5वें नंबर की आर्थिक ताकत बना दिया है। कांग्रेस तो इससे भी परेशानी है और ये मोदी की गारंटी है। आप देख लेना, कुछ ही वर्षों में मोदी 10 नंबर से पहले 3 में पहुंचा के रहेगा। भारत ने, अब देखिए कितने बड़े गर्व की बात है कि भारत ने
मेड इन इंडिया कोरोना वैक्सीन बनाकर अपने देशवासियों के साथ साथ दुनिया के करोड़ों लोगों का जीवन बचाया। आप मुझे बताइए, वैक्सीन ने आपकी जिंदगी बचाई कि नहीं बचाई? आपका जीवन बचाया कि नहीं बचाया? करोड़ों लोगों की जान बची कि नहीं बची? अब कांग्रेस को ये मेड इन इंडिया वैक्सीन से भी बहुत परेशानी हो रही है। वैक्सीन से जुड़े भारत के भगीरथ प्रयास, इसकी दुनिया में चर्चा हो रही है, हमारे वैज्ञानिकों की चर्चा हो रही है, और मैंने सुना है आजकल एक मूवी आई है, एक फिल्म आई है, द वैक्सीन वॉर, वैक्सीन वॉर नाम की फिल्म आई है। मैंने सुना है कि भारत में कोविड से लड़ाई लड़ने के लिए हमारे देश के वैज्ञानिकों ने जो रात दिन मेहनत की, अपनी लैब में एक ऋषि की तरह साधना की, और उसमें हमारी महिला वैज्ञानिकों ने भी अद्भुत काम किया, उन सारी बातों को एक बढ़िया तरीके से वैक्सीन वॉर फिल्म अभी जो आई है, शायद इसी सप्ताह आई है, उसमें इसको दर्शाया गया है। हर भारतीय को वो फिल्म देखने के बाद गर्व हो रहा है कि हमारे वैज्ञानिक ऐसा ऐसा काम किए हैं। चंद्रयान जाता है, वैज्ञानिक के लिए गौरव बढ़ता है, वैक्सीन बनती है, वैज्ञानिक के लिए गर्व बनता है, और देश की युवा पीढ़ी वैज्ञानिकों के काम को समझना चाहते हैं। मैं इस फिल्म बनाने वालों को भी बधाई देता हूं कि आपने वैक्सीन वॉर फिल्म बना करके देश के वैज्ञानिकों को और विज्ञान को महत्व दिया, आने वाली पीढ़ी को ये बहुत काम आने वाला है।